सब हैं, समझ सकते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में क्या कहता है भगत सिंह का नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत किया और बहुत कुछ किया। तो वो हमारे जिम्मेदार है, तो आगे बढ़ना चाहते हैं एक बार शानदार तालियों के लिए। ये यहाँ जो शख्स बैठे हैं, खड़ा है, इनसे कुछ सवाल करेंगे और इसको मार्केटिंग प्लान को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका छोटा सा परिचय, नाम पूछेंगे और कहाँ से हैं। नाम सर आपका? कहाँ से? उनका जवान मुकुंद मुरारी महापुर सोनू कुमार का। देखिए यहाँ पर नवादा से है, कोई मानपुर से है, कोई पत्नीप्रमा से है, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। तो सोचिए कि इनके क्या आप लोग तैयार हैं मार्केटिंग प्लान के लिए। तो ये जो है हमारे कस्टमर हैं, और आप समझ लीजिए इनसे सवाल कर रहे हैं तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। नाम आपका? रोशन जी। आज ये रोशन जी यहाँ पर थोड़ा सा रोशन जी से कुछ सवाल करते हैं और आप जल्दी से देखेंगे। रोशन जी आपका आर्थिक में आईडी है? अच्छा, तो अभी आपको एज ए कस्टमर बात करना है, एज ए ग्राहक बाहर आर्थिक का। खाना खाते हैं? आपको भी बताएंगे। yes. खाते हैं खाना? yes. ये भी खाते हैं। और कपड़ा पहनते हैं? पहने हुए कपड़ा। अब आप सोचिए थोड़ा सा, करते क्या है? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आगे तो इधर 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 आगे जीवन में पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अनपढ़ आदमी पैसा नहीं कमाता है क्या? अनपढ़ आदमी भी पैसा कमा सकता है। और कुछ कुछ उद्देश्य है? एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। यही रोशन जी पढ़ाई करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग पढ़ाई करते होंगे, कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, कुछ लोग खेती करते होंगे, मजदूरी करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, और काम करने का उद्देश्य आपका होता है पैसा कमाना। जो ये भी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जाकर के नौकरी करें या जो भी करेंगे उससे हम पैसा कमाएंगे। आपके घर में पैसा कौन कमा रहे हैं? मम्मी पापा पैसा कमाते हैं, और उस पैसा से क्या पूरा का पूरा सेविंग होता है कि खर्च भी होता है? दोनों का होता है। आप लोग का सारा सेविंग हो जाता है कि खर्च भी होता है? खर्च होता है। खर्च कहाँ करते हैं? मार्केट में खर्च करते हैं। किस लिए? अब आप सोचिए कि एज ए कस्टमर ये पैसा अपने आमदनी का जो पैसा है वो पैसा मार्केट में खर्च करते हैं, और आप लोग अपने घर में खर्च करते हैं कि वो पैसा मार्केट में खर्च करते हैं? मार्केट में खर्च करते हैं। और जब मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो जैसे आपको कौन सा साबुन पसंद है? आर्थिक के अलावा पहले लाइफ वाइज साबुन यूज करते हैं। जिंदगी में देखिए जब हम कोई साबुन लक्स लाइफबॉय कुछ भी पसंद करते हैं तो वो कहां से लाते हैं? बगल की दुकान से। लेकिन वो बनाती कौन है? बनाती है कंपनी। हमारे साथ टाई भी पहने हुए भाई साहब है, और ये है हमारी कंपनी। कंपनी जैसा लग भी रहा है, एक बार ताली बजा दीजिए इसके लिए। और ये कंपनी है, और ये कंपनी खड़ा करना तो बहुत आसान काम है। शेखपुरा में 10-20 कंपनी है। अरे बोलिए भाई, लगे कि जिंदा लोगों के बीच में है हम। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा जोश के साथ। शेखपुरा में कंपनी है? नहीं है। तो कंपनी का बाहर है, और ये कंपनी वाले हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं, और कंपनी खड़ा करने में ऐसे ही बन जाता है कि पैसा लगता है, पैसा लगता है। अब ये देखिए क्या करते हैं। मान ले जाए कि ये लक्स साबुन बनाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास सामान पहुंचता कैसे? तो समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे पास सामान एक चैनल के थ्रू पहुंचता है जिसमें बीच में कई सारे लोग होते हैं, और वही बीच वाले लोग, अब जैसे मान लिया जाए कि इन्होंने एक कलम बनाया, पकड़िए सर,
ये कंपनी है और इसको बनाने में इनका 50 रुपया खर्च हुआ, तो क्या ये 50 का 50 आगे फॉरवर्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि इनका भी कंपनी में करोड़ों अरबों रुपया लगा है, तो ये भी 10 रुपया का फायदा लेते हैं। और ये जो है दूसरा व्यक्ति जो है ये कहलाते हैं CNF, जिसको केयर एंड फॉरवर्डिंग करते हैं, ये 50 का सामान 10 रुपया का फायदा लेकर के इनको 60 रुपया में दे देते हैं। अब ये जो CNF स्टेट लेवल पर एक होता है, राज्य स्तर पर एक होता है, वो भी कुछ ना कुछ कमाने के लिए है, वहां फ्री में काम नहीं करते हैं, और ये भी 10 रुपया का फायदा लेते हैं। और इसके आगे जो है जिला स्तर पर एक एजेंसी होता है, एजेंसी को वह 10 रुपया का फायदा लेकर के ये 70 में इनको दे देते हैं। एजेंसी जो जिला में है वह भी क्या करता है कि अपने यहाँ सामान बनाते नहीं है, बल्कि ये होलसेलर है, होलसेलर के